हेलो एवरीवन, तो फिशिंग हॉबी में मैंने शुरुआत ग्लोफिश टेट्रा से किया था, जो कि मैंने अपने फर्स्ट टैंक सेटअप वाले वीडियो में बताया था। अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद मैंने एक और टैंक लगवाया। ये टैंक मैंने अपने लिविंग रूम में लगवाया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये काम मैंने उन्हीं से करवाया जिन्होंने मेरा पहला टैंक सेटअप किया था। अगर मुझसे पूछा जाए मैंने और एक टैंक क्यों लिया, तो उसका एक ही कारण है कि मुझे इस हॉबी में अब मज़ा आने लगा है। ये टैंक मैं काफ़ी फेमस ऑस्कर फिश के लिए रेडी कर रहा था। मुझे भी जानना था कि लोग उसे वाटर डॉग या रिवर डॉग क्यों बोलते हैं। अभी तो इस टैंक में ऑस्कर और पैरट फिश 1.5 महीनों से रह रहे हैं, और मुझे ये भी पता चल गया कि लोग ऑस्कर को वाटर डॉग या रिवर डॉग क्यों बोलते हैं। खैर, ये मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। मैं आपको इस टैंक का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। इस टैंक में मैंने टफ एंड ग्लास यूज़ किया है, जिसकी थिकनेस है 12 mm। इस वक्त बेस पर आपको जो ग्रेवल्स दिख रहे हैं वो 25 किलो ग्रेवल्स हैं, और एयर फिल्टर यूज़ कर रहा है जो कि 2 आउटपुट वाले हैं, और वाटर फिल्टरेशन के लिए मैंने इसमें टॉप फिल्टर यूज़ किया है। हाइडिंग के लिए मैंने 2 स्पॉट्स दिए हैं, एक शिप और एक ड्रम, और साइड में 2 प्लांट्स जिसे ऑस्कर ने अपनी एंट्री में ही उखाड़ फेंका था। टैंक लग जाने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ था वो था इसके पानी में यूज़फुल बैक्टीरिया को बनाना, और पानी का इन्वायरमेंट ऐसा बनाना कि वो फ़िश के लिए कंफर्टेबल हो। तो इसके लिए मैंने अपने पुराने टैंक से करीबन 40 लीटर पानी इस टैंक में ऐड कर दिया, और अपने टॉप फिल्टर को एक दिन के लिए चला दिया। तीन दिनों के बाद मैंने इस टैंक में अपने पुराने टैंक से प्लेको को शिफ्ट किया, जो कि ग्लोफिश टेट्रा के टैंक में 5 इंच का हो चुका था। ऑस्कर और पैरट फिश को लाने से पहले मैं पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहता था कि पानी फिश के रहने लायक बन चुका है। प्लेको न्यू टैंक में आते ही एक कोने में चला गया, और अगले 2 दिन तक मैंने जब भी देखा वो उसी कोने में था। मैंने कुछ एल्गी वेफर्स दिए थे जो उसने खा लिए थे, पर कब खाए मुझे पता नहीं चला। दूसरे दिन से मेरे प्लेको पर वाइट पैचेस आने लगे, जो कि मैंने बहुत बार प्लेकोस पर देखा है जब भी वो डर जाते हैं। अगले 2 दिन तक इसने खाना भी छोड़ दिया था। चौथे दिन से ये दोबारा अपने पुराने कलर में आ गया, और इसने खाना भी शुरू कर दिया था। और फिर जाकर इसमें मैंने ऑस्कर फिश और पैरट फिश को ऐड किया। इस टैंक में मैंने 3 पैरट फिश और 2 ऑस्कर फिश को ऐड किया है। दोनों ऑस्कर फिश टाइगर ऑस्कर है, और पैरट फिश ब्लड रेड वाले हैं। से 20 मिनट मैंने इन्हें अक्लमेटाइजेशन के लिए पानी में वैसे ही रख दिया, ताकि टैंक के पानी और फिश बैग के पानी का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाए। क्योंकि पैरट फिश एक ही बैग में पैक्ड थी, तो इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था, और इसलिए 15 मिनट होते ही सबसे पहले मैंने इन्हें ही टैंक में निकाला।
और फिर बारी आई ऑस्कर फिश के एंट्री की। इस तरह से मेरे ये पांच फिश इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। और अगर मैं ऑस्कर फिश के साइज़ का बताऊं तो एक 5 इंच की है और दूसरा लगभग 5.5 इंच की, और पैरट फिश में 2 3.5 इंच के हैं अराउंड, और सबसे छोटा 2.5 इंच का। फ़िलहाल मेरा अभी कोई प्लान नहीं है इस टैंक में और भी फिश ऐड करने का। मैं इन पांचों को छोटे से बड़ा होते देखना चाहता हूँ, और इनके बड़े हो जाने पर भी इस टैंक में इन्हें दिक्कत नहीं होगा।